बाबा हैं, सोनू बाबा, सोनू बाबा। बहुत ही अच्छा यहाँ का लोकेशन है, वातावरण है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, शुद्ध वातावरण है और माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी मतलब कोई भी परेशान होता है, पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, तो सुकून के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैठ जाएगा आधे घंटे के लिए तो यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। इसलिए कि ये सूफी संत जिलों का धरती है यहाँ पे, है ना सोनू भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट क्लास का है, सूफी संतों की धरती है यहाँ पे। कोई कितना भी टेंशनाइज हो, घर के परिवार को हर चीज़ की टेंशन में पड़ा हो, टेंशन की वजह से लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं यहाँ पे आने पर, सब दुख दूर हो जाता है कुछ दूर के लिए, कुछ देर के लिए यहाँ पे आने के बाद एक बहुत अच्छी नींद आएगी, तुरंत लोग सो जाए, मतलब हृदय जो है मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, शांति मिलता है, शांति मिलता है, सब टेंशन भूल जाते हैं लोग, अच्छी नींद आ जाती है। ये प्रकृति का दिन है और ये सब सब लोगों की कृपा है, जो भी होता है अच्छा होता है, इनकी कृपा से हर चीज़ यहाँ पे सुख रहते हैं लोग। हम मानते भी हैं इनके यहाँ से, इनके बातों को सब लोग गौर से मानते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। सोनू भाई ने जैसा कहा, मतलब सोनू भाई नहीं, सोनू बाबा, इनको हम बाबा मानते हैं। ये भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ किए हैं वो सच साबित हुआ है। जैसे हमको विदेश जाना होता है तो हम इन्हीं से आकर पूछते हैं बाबा चले जाएंगे कि नहीं, तो ये जब कह देते हैं कि नहीं नहीं जा पाओगे तो हम वहाँ से इग्नोर कर देते हैं। पहले हम इनकी बात नहीं माना करते थे, लेकिन अब मानना पड़ रहा है। जैसे कि ये बोल देंगे कि एक साल बाद जाओगे, तो एक साल बाद ही हम गए थे, उसके पहले हम कितना भी कोशिश कर लिए लेकिन हम नहीं जा पाए, तो इसीलिए इनको बाबा मानते हैं। जैसे हम लोग लीडो छक्का खेलते हैं नहीं नहीं बता रहे बाबा, लीडो छक्का खेलते हैं तो ये बोलते हैं हम ही पास होंगे, तो यही पास होते हैं, छक्का आएगा तो छक्का ही आएगा, पांच आएगा तो पांच ही आएगा। अभी ये बात करने लगे, लेकिन हम इनसे अभी बाद में रूबरू होंगे, पहले आप लोगों को दिखा दें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, सुकून का माहौल बना हुआ है, पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये मुनसेरी का पेड़ है, यहाँ पे बंदर लोग आते हैं, और मुनसेरी जैसे कि एक फल होता है रेड रेड कलर का, वो जो पक गया रहता है, इसको इंसान भी खा सकते हैं। हम लोग छोटे थे ना तब से खाते हुए आ रहे हैं। ये जो पेड़ है एक यहाँ है और दो ठो उधर है, और अंदर में धर्मस्थली की तरफ है उधर भी है। और हम लोग जब भी बचपन में आते थे तो यहाँ की मुनसेरी जो गिरती थी नीचे में, तो हम लोग खाते थे और बहुत अच्छा लगता था। जैसे किसी का पेट झड़ना हुआ तो ये खा लेता था, तो वो कसाव जैसे होता है ना, बोलते हैं भोजपुरी में, तो वो बनाकर वो पेट झड़ना रोक देता था। इसीलिए प्रसिद्ध है ये मुनसेरी का पेड़, और आज से नहीं बहुत साल पुराना मुनसेरी का पेड़ है। सो आप लोग और भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी पेड़ बहुत साल पुराना है, और यहाँ का लोकेशन आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, हवेली जैसा है, पूरा हवेली जैसा, क्या हवेली है ये, है आप लोग देख सकते हैं, हवेली है। अभी तो खुला हुआ नहीं है, पहले चाचा जी रहते थे यहाँ पे, तो घर खुला रहता था, तो हम लोग बचपन में खेलने के लिए जाया करते थे, और टीवी में हम लोग जब पिक्चर देखते थे, फिल्म देखते थे, तो हम लोगों का मतलब गांव का ये सीन याद आता था कि हम लोग के यहाँ भी हवेली है। हवेली ज़्यादातर वो भोजपुरी फिल्मों में दिखाया जाता है, और हम लोग देखते थे तो हम लोगों को महसूस होता था कि हम लोगों के गाँव में भी हवेली है। हम आप लोगों को और भी बहुत सारा इधर दिखा सकते हैं, कितने लोगों की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई रहती है, इधर में कोई छूता नहीं है गाड़ी को, कोई भी खड़ा करके चला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पावन धर्मस्थली है यहाँ पे, और यहाँ पे उधर में देख सकते हैं ये पोखरा, जिसको लोग नाम रख दिए हैं खजुअटिया पोखरा, मतलब यहाँ का सुनने में आता है, मैं तो अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं।
बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस तक के भी लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से, जिनको मतलब जानकारी हो जाता है कि यहाँ पे खजवट सही हो जाता है, मतलब दिना होना है ऐसे करके। तो ये पोखरा है, मैं आपको नज़दीक से दिखा देना चाहता हूँ, तो उनका दुख दूर हो जाता है, बेड़ा पार लग जाता है, मतलब दवा भी नहीं कराना पड़ता है, एक से दो बार तीन बार ऐसे करके यहाँ लोग आते हैं। और देख सकते हैं ये जो काई लगा हुआ है, भोजपुरी में काई बोलते हैं इसको, तो ये काई को मतलब मल मल के जहाँ पे मतलब उन लोगों का ये हुआ रहता है, परेशानी होता है, दुख होता है, वहाँ पे लगाने से दुख मुसीबत सब सफा सही हो जाता है। और वो मतलब यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मतलब बतासा हो गया या फिर ये लचीदाना हो गया, और अगरबत्ती वहाँ पे बारते हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी हम लेकर चलेंगे उधर में, और यहाँ पे स्नान करके और वहाँ पे अपना जाकर पूजा करके चले जाते हैं। तो उनका मतलब रियल बताऊँ मैं, हमारा घर यहीं पे है, बाजू में ही है, तो देखने को मिलता है लोग आते हैं खुशियों के साथ, दूसरे को भी लेकर, अपने रिलेशन वाले को भी, और यहाँ पर उन लोगों का दुख दूर हो गया रहता है, तो बहुत एक आस्था जग जाती है और भी मतलब एक लगाव हो जाता है आस्था से एक। और यही वो श्री गुलाल साहब का ये धर्मस्थली है, वहाँ पे यहीं पे मतलब दशहरे के दिन, अभी दशहरा नज़दीक है, मैं आपको दशहरे का भी वीडियो दिखाऊंगा, दशहरा नज़दीक है, यहाँ पे चदरा और प्रसाद चढ़ाया जाता है यहीं पे, मैं आपको दशहरे के दिन यहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा। बहुत भीड़ रहती है, मतलब हजारों और बहुत से हजारों के तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं और चदरा प्रसाद चढ़ाते हैं, और बहुत सारा मतलब भीड़ रखता है, और दशहरे के दिन मेला भी लगता है यहीं पे, दुर्गा जी का पंडाल वो जो दिख रहा है, दो बिल्डिंग उसी के रोड के समीप में दुर्गा जी का पंडाल लगता है, वहाँ से लोग आते हैं दुर्गा जी का दर्शन करके, और दर्शन के साथ साथ यहाँ भी आते हैं गुलाल साहब जी के पास, और यहाँ भी चदरा प्रसाद चढ़ाते हैं। रंगैया हो चुका है, देख सकते हैं वाइट कलर से, और ये देख सकते हैं पेड़ पौधा और बहुत सारे यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये पहले बहुत सारी गाय लोग होती हुआ करती थी, और उनके बछड़े भी हुआ करते थे, और यहीं पे मतलब बांधा जाता था, और यहाँ का जो मतलब ये है, यहीं पे चारा पानी लगाया जाता था, 10-12 लोग रहते थे गायों को खिलाने के लिए और उनको चराने के लिए ले जाने के लिए, तो यही वो जगह है जहाँ पे गाय लोग रहा करती थी, उधर में भी कुछ गायें रहती थी। और मैं आपको दशहरे के दिन का वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा सुंदर और आकर्षक का केंद्र यहाँ पे बना रहता है, आप लोग भी आ सकते हैं और आइए मेले के दिन, दशहरे मेले के दिन। मैं तो ये वीडियो डाल दूँगा आज ही के दिन, ये वीडियो डालूँगा, लेकिन एक मैं वीडियो बनाऊँगा दशहरा मेला के दिन का, जो बहुत ही आपको मन मोह लेगा। आप लोग आइए, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आइए, दशहरे के दिन कभी ऐसा भीड़ नहीं देखे होंगे और कोई ऐसा जगह नहीं देखे होंगे जहाँ पर दशहरा के दिन यहाँ पे धर्मस्थली रामशाला में चदरा प्रसाद चढ़ाया जाता है, और इसी के चलते लोग बहुत ज़्यादा की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे, आप देखें। और ये इधर में हम प्रस्थान कर चुके हैं अंदर में, यहाँ पे लाइट की चर्चा चल रहा है लगाने के लिए दशहरे के दिन का। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अंदर, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे समाधि है बाबा लोग का, आप लोगों को मैं वहाँ तक दिखाऊंगा जहाँ पे दूसरा गेट है जो बाज़ार का मुख्य द्वार है, और यहाँ पे सजावट हो रही है, मेले के दिन की तैयारी हो रही है, दशहरा मेले की लाइट लगने लगा है कुमार लाइट द्वारा, ये हैं कुमार लाइट, चितबड़ा गांव, जिला बलिया। कब तक सजावट हो जाएगा? ये हो जाएगा 8वीं तक, 8वीं तक, 9वीं से जलने लगेगा। अच्छा अच्छा, बहुत खूब, दोनों में जलेगा। ये हैं कुमार लाइट का प्रोपराइटर, और यहीं मतलब आज से नहीं, बहुत सालों से यहाँ पे सजावट करते हैं,
और बहुत ही अच्छा, मैं मेले के दिन का दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। चदरा प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, लोग आते हैं बहुत हज़ारों की तादाद में, बहुत ही हज़ारों की तादाद में, मतलब मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं झालर, और ये कुछ लाइटें हैं, कुछ पेटियाँ में झालर दिख रही हैं, ये वायर है, तार है। और यहाँ मतलब खूबसूरत एक बहुत ही अच्छा लाइट की सजावट होती है कुमार लाइट द्वारा, जो चितबड़ा गांव में है, यहीं के हैं वो भी, आप लोग देख सकते हैं। विजयदशमी के दिन का तैयारी हो रहा है यहाँ पे, मेले की तैयारी हो रहा है। मेले में बहुत सारे लोग आएंगे तो उनके मतलब रात हो जाता है यहाँ पे मेला, तो यहाँ पे बहुत सारा लाइटें लगाया जाता है ताकि जो श्रद्धालु हैं आएं और अच्छा से पूजा कर सकें।